हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए रेसिपी वीडियो में। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से रेसिपी वीडियो नहीं लेके आ रहा था, लेकिन आज मैं एक खास रेसिपी वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये रेसिपी जो है दोस्तों, सर्दियों के लिए बहुत ही खास है। तो उस खास रेसिपी का नाम है आंवले का मुरब्बा। ये विटामिन सी से भरपूर होता है, तो आप भी बना सकते हैं घर में आंवले का मुरब्बा। तो दोस्तों, आंवले में जो कसैलापन होता है उसको दूर करने के लिए हम बिना फिटकरी और बिना चूने के पानी का इस्तेमाल किए एक नए तरीके से उसका कसैलापन दूर करेंगे। और साथ में सबसे बड़ी खासियत जो आंवले के मुरब्बा की होगी वो ये होगी कि हम बिना गुड़ और बिना चीनी के आंवले का मुरब्बा बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये खास आंवले का मुरब्बा। तो दोस्तों, आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमने ले लिया है आधा किलो आंवला। और ये जो साइज़ है मीडियम साइज़ है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। तो मीडियम साइज़ का आधा किलो हमने ले लिया है आंवला। और अब इसको हम वॉश करेंगे। तो दोस्तों, आंवले को हमने धो लिया है। अब देखिए, आंवले को इस फोर्क की सहायता से, इस फोर्क की मदद से अब इसको हम छेद करेंगे इसमें। ये देखिए ऐसे। इसको हम चारों तरफ से छेद कर लिया। अब देखिए, दूसरा वाला ले लिया हमने, इसको ऐसे छेद करना है, ऐसे ऐसे चारों तरफ से छेद करना है। तो हमने सारे आंवले जो है उनमें छेद कर लिया है। जो पोर्क था हमारा, पोर्क से हमने सारे आंवलों में छेद कर लिया है। अब ये आंवले उबलने के लिए डालेंगे पानी के अंदर। पानी हमारा गर्म हो रहा है दोस्तों, पानी खोलने लगा है। अब इसमें हम आंवले डाल देंगे अपने और इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे या पकाएंगे। दोस्तों, 6 से 7 मिनट हो गए हैं, हमारा आंवला अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, उबल भी रहा है। तो अब हम इसको गैस को ऑफ करते हैं, इसको उतारते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। बढ़िया पक गया है, अब इसको हम चाशनी में डालते हैं। चलिए, तो दोस्तों हमने गुड़ और चीनी नहीं लेके, हमने लिया है ये मिश्री। इसको बोलते हैं डोरे वाली मिश्री। ये स्पेशल मिश्री होती है, ये अच्छे दुकानों में या पंसारी की दुकानों में मिल जाती है, तो आप वहाँ से ले लें। और इसको अब हम थोड़ा टुकड़े टुकड़े में कर लेंगे और फिर इसको क्रश कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। और चीनी और गुड़ के जगह पे हम ये मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा आधा किलो मुरब्बा आंवला है, तो हम आधा किलो मिश्री का यूज़ करने वाले हैं। तो मिश्री को तोड़ के हमने छोटे रूप में बना लिया है और इसको पॉट में डाल दिया है। अब इसका पाउडर बनाएंगे। वाह, अब ये देखिए, हमारा जो मिश्री था वो पाउडर बन चुका है। ये पाउडर बन गया है, ये पाउडर रूप में कंप्लीट रेडी हो गया है। तो मिश्री के पाउडर को हमने पैन में ले लिया है और अपना बॉयल आंवला उसमें डाल दिया है। और इसको धीरे धीरे चलाएंगे और साथ में इसमें पानी का मिनिमम यूज़ करेंगे, क्योंकि आंवला भी अपना जूस छोड़ेगा। तो ज़्यादा अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा, तो इसलिए मिनिमम पानी का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही धीमे आँच पर और इसको पकाएँगे। इसमें हम आधा कप से भी पानी कम डाल रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही कम पानी का हमने इस्तेमाल किया है। और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे और इसको ढक के पकाएंगे 45 मिनट तक, करीब 40 से 45 मिनट तक इसको पकाएंगे। दोस्तों, अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे। और ये देखिए, कुछ देर में ही हमारा जो मुरब्बा है अच्छे से पकने लगा है, इसमें झाग आ गया है। और देखिए, बीच बीच में इसको लगातार चलाते रहना है और बहुत ही बढ़िया जूस रेडी हो रहा है और मुरब्बा अच्छे से पक रहा है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये प्रोसेस लगातार 5-5 मिनट पे इसको चलाते रहना है। दोस्तों, लगभग 45 मिनट हो चुके हैं। अब ये हमारा आंवले का मुरब्बा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए, कलर भी अच्छा आ गया है और ये जो हमारा चाशनी है ना, इसमें तार आ गया है। इट मीन्स कि अब हमारा मुरब्बा जो है अच्छे से पक गया है और चाशनी भी बहुत बढ़िया गाढ़ा बन गया है। तो इस तरह से, तो अब आपको हम इसको फ्लेम को बंद करते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं आंवले के मुरब्बे को।
तो फाइनली हमें गैस बंद किए 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा जो मुरब्बा है एकदम रेडी हो चुका है। और ये देखिए आपको दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया पक गया है, बहुत ही अच्छा पक गया है और एकदम जूसी है, प्योर जूसी है। इसमें जूस जूस बहुत है और बहुत ही बढ़िया पका है, बहुत ही टेस्टी। तो दोस्तों ये लीजिए, आपके लिए हमने एक बाउल में सर्व कर दिया है। बहुत ही लाजवाब बना है, बहुत बढ़िया बना है। कितना इसका कलर खिल गया है ये देखिए, और बिल्कुल गुलाब जामुन से भी ज़्यादा जूसी बना है। फाइनली हमने आंवले का मुरब्बा बना दिया है, ये देखिए कितना बढ़िया बना है, बहुत अच्छे से टूट जा रहा है और फांकों में बिखर जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जूसी है और बहुत बढ़िया जूसी बना है। मैं इसको टेस्ट करके भी बताता हूँ आपको, अंदर तक जूस गया है, बहुत ही बढ़िया बना है। दोस्तों अगर चाहे तो आप इसमें काले नमक का पाउडर, इलायची पाउडर और काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, मैंने ऐसा यूज नहीं किया है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत होती है कि सर्दियों में आंवला खूब मिलता है, और आप ढेर सारा मुरब्बा बना लीजिए काफी लंबे टाइम के लिए, ये सालों साल रख सकते हैं अपने जार में और खराब नहीं होता है और बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।